14th। यहाँ से लेके अब सामने की तरफ हम एक तारे लगाने वाले हैं। ये पठानकोट मंडी हाईवे के जो नेशनल हाईवे ना जी, इसमें पद्म स्थान से 8 किलोमीटर ऊपर घोगरधार डायना पार्क जी हिमरी माता का पावन स्थल है जी। वाह 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 वाह। का रेस्ट हाउस जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए हमारा हिमालय, ये है हमारी हिमाचल की खूबसूरती, इसको मैं बयां नहीं कर सकता यार। आप यहाँ देखिए ऊपर पूरी शक्ति है। वहाँ काफी भयानक पेड़ माना जाता है, वो बुलबुला उठाना है आपको और अपने सिर पे उसको लेना है, तो वो माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सैंडी तूफान जलजला। यहाँ पर भी इन्होंने एक्टिविटीज काफी स्टार्ट कर दी है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ बाइक ड्राइव। तो आज का हमारा जो टूर है वो कहीं बाइक पे होने वाला है। तो आज है नवीन का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं थोड़ी सी सेलिब्रेशन करने उसकी, तो आपको दिखाएंगे वहाँ के। और आज का हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा नहाने जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है। थोड़ा सा लेट है क्योंकि आज थोड़ा मंडे का दिन है और वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो देखते हैं। अभी वो देखिए आ चुके हैं पीछे से बंदे। चलो फिर कर दिया मैंने स्टार्ट। चलो तो मिलते हैं आपसे। कमान में काम देखो कितना लगा है। ओ भाई बुरे हाल है यार, 5 मिनट हो गए हमें खड़े हुए। हमने नहीं देखा था यहाँ पे कभी जाम। ये तो एक विलेज एरिया है लेकिन गाड़ी हो चुकी है यहाँ से सारी की सारी डाइवर्ट कुल्लू मनाली जाने वाली। आ चुके हैं हमारे बर्थडे बॉय भी। क्या बोलते हो आप की बहुत सारी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, भगवान आपको बहुत बहुत खुशी दे, शुभकामनाएं। सुमित और मैंने क्या प्लान किया था कि हम यहाँ पे केक कटवाएंगे। तो देखिए ऐसी जगह है, जंगल है जहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ पर ये चीजें मिलती नहीं है। अगर हम इसको ले भी लें तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि तो लड़कियाँ कटो केक का। फिर नवीन सर बोलते हैं कि केक तो लड़कियां काटते हैं और यहाँ पेस्ट्री मिले नहीं। तो हम चल रहे हैं दरिया नहाने। नहा लेंगे आज, कोई बात नहीं। बोले टाइम से, ये भी हमारा 2 साल से कोई प्लान बाकी था। आज बैठे हैं हम यहाँ पर ऑन द उपलक्ष्य ऑफ मिस्टर नवीन बर्थडे, और मिस्टर सुमित चले गए बाहर। गर्मी इतनी हो चुकी है कि हमें जाना ही पड़ेगा नहाने, लग रहा है ऐसा मुझे। वहीं जा रहे हैं अभी उसको देखने, तो आप देख सकते हो। और ये बड़ा ये है यहाँ से पाथवे, मुश्किल सा ये रोड है। हम लास्ट ईयर यहाँ आए थे, लास्ट ईयर पर हमने व्लॉग नहीं बनाया था। हाँ। तब हमने स्टार्ट नहीं किया था, बट हमने 2 या 3 दिन हम नहाए थे इसमें। हाँ। तो अभी आज जा रहे हैं हम, देखें। तो रास्ता तो काफ़ी डिफिकल्ट है और आराम से आना है यहाँ से भाई। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, आपने अगर देखा होगा स्प्लिट्स विला, तो वो आपकी उत्तराखंड में शूटिंग्स होती थी, ये उसी तरह की एक लोकेशन है। आप देखिए बहुत ही सुंदर, और नहाने का बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह का रूट है, काफ़ी मुश्किल से हम ऊपर से आए हैं। अभी नीचे पहुंचते पहुंचते ना हो जाए हमें कभी ज़्यादा शाम, लेकिन गर्मी बहुत है भाई। आज तो हम नहा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया यार। लास्ट टाइम आया था, फोटोज ली थी हमने साथ में, क्योंकि एनर्जी चाहिए और नहाते हैं। ये आप देखिए रिवर साइड पेंटिंग, देखिए यहाँ किसी ने पेंटिंग बनाई है सर, देखो कितनी प्यारी पेंटिंग। IIT मंडी की पेंटिंग किसी स्टूडेंट्स ने बनाई है। सबसे पहले अभी देखिए झागड़ा जी पूछ करते हुए। मुझे तो लग रही है काफी ठंड, लेकिन नवीन जी आज हमें अपनी कुंफू की कुछ ट्रिक्स दिखाते हुए। यहाँ से लेके अब सामने की तरफ हम एक तारे लगाने वाले हैं, तो फिर अब आप देखिए कौन ज्यादा स्पीड से जाता है। यार कितनी अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं यार, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, ये देखिए गोपाल सर को पूरी छलांग लगा के वापिस पूरी नदी। नहा तो हम गए लेकिन आते नाते हो गया अंधेरा, क्योंकि ये पहाड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता अंधेरा होने का। और देखिए सुमित आगे चला हुआ है और मैं चला हूँ उसके पीछे पीछे। नेक्स्ट डे 2 हमारे बहुत ही पास में, हमने पुराने व्लॉग्स में देखा वहाँ पे स्नो ट्रैक किया था, पराशर लेक नाम है। तो आज है वहाँ पर देवता जी का मेला और हमें जाना है वहाँ पर। गाइस देखिए कितनी मिट्टी, कितनी धूल, हवा की है। आज ऐसा लग रहा है कि सैंडी आ चुका है, सैंडी तूफान, जलजला। One hour later. तो आज का प्लान हो चुका है हमारा ड्रॉप, क्योंकि बारिश हो रही है और आप गाड़ियाँ देखिए वहाँ से पराशर रोड से कितनी गाड़ियाँ आ रही है यार। तो अभी हम जा रहे हैं कांडी, थोड़ी देर हम ऊपर ही बैठेंगे। और इस वक्त यहाँ जो खूबसूरत मौसम हुआ है इसको मैं बयान नहीं कर सकता यार। आप यहाँ देखिए ऊपर और आप देखिए टुडे इज़ जून 14th और आप मौसम देखिए काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ। इतनी ठंड इस टाइम हो चुकी है कि पराशर तो जा नहीं पाया, शायद पराशर यहाँ से ज़्यादा ठंड होती। देखते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट डे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू रिरोमिंग व्लॉग्स। तो आज जो हमारा टूर है वो है मंडी टू रोड, आगे दिखाएंगे आपको। मेरे साथ मेरे कजन्स हैं 2 साथ में, तो आपको इनसे आपकी इंट्रो कराता हूँ। ये है प्रदीप, मैं हूँ प्रदीप शर्मा। आई एम गोइंग टू बरोट। ही इज मिस्टर अमित, आई एम मोहित शर्मा गोइंग टू बरोट। आज लगता है हमें काफी फन आने वाला है, काफी फन होने वाला है आज, क्यों दीपू? बिल्कुल यस। मैं सोच रहा डायना पार्क वाले साइड से जाए यार। ना डायना पार्क में होते चुड़ैले, वहाँ क्या हुआ आपके साथ? एक बार मैं अपने मेरी मिसेज और मेरी बेटी जा रहे थे स्कूटी में, हम दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे। हाँ, फिर वो उसने बोला, मैंने उसको बोला बैठ गए तुम लोग। हाँ, बोला हाँ बैठी हो, मैंने बैठा होता पट्टी में बोला तो भाई मीन्स की वो लोग गिर गए, लगी तो नहीं, फिर लगी नहीं। तो हम लोग काफ़ी लेट स्टार्ट हुए मंडी से, क्योंकि हमारा ये अचानक ही प्लान बन गया। जो मेरा कज़न है दीपू प्रदीप, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गरारी अटक चुकी है कि हमें जाना ही बरोट है, और हम बहुत शांति से अभी से। तो चलिए देखते हैं, अब हमें थोड़ी स्पीड से जाना पड़ेगा, शूट थोड़ा कम कर पाएंगे। और पूरा अमिताभ बच्चन वाला कट किया हुआ है, बहुत ही सही नेड़ी जगह है। यहाँ का पानी काफ़ी साफ माना जाता है, मैं आपको दिखाऊँगा। बरोट एक्चुअली क्या है, एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे वो उसकी धर्मशाला थोड़ी सी रेंज के अंदर कवर रहता है, इसलिए वहाँ पे बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप कभी भी जाएं, जैसे कि आजकल के मौसम में जून एंड जुलाई में, तो आप गाड़ी में ही प्रेफर करें। मतलब अभी हम लोगों का प्लान बना हुआ है कि आगे एक यहाँ पे जगह है पद्दर, जोगिंद्रनगर के ऑन द वे। तो हम निकले डायना पार्क वाली साइड से, लेकिन यहाँ पे जो कज़न है मेरे दीपू, इसको हो चुका है डाउट कि वहाँ पे होते हैं दिन में ही छलेडे। अब छलेडे इन द सेंस क्या चीज़ बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ वहाँ पे इन्होंने देखी हुई है पहले, बुरी शक्तियाँ वहाँ। तो मैं कने वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता। चलिए आज का हम देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा हमारा, क्योंकि हमें से सिर्फ एक ही बंदा जो कि बरोट नहीं गया है वो है दीपू, और हमारी एक्साइटमेंट भी हो चुकी है डबल, क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटेड टाइप के बंदे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, काफी एंजॉय करने वाले, तो आप बने रहिए हमारे साथ। भाई नारले ये काफी यहाँ पे फनी साउंड आ रहा है ना। बोले भाइयों ने नारले। तो पहुँच चुके हैं हम लोग नारला। ऊपर देखिए यहाँ पे ये जगह है हिमरी गंगा, जो यहाँ से पानी आ रहा है। हम वहाँ से गए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। पे जो 20 बातों का मैं तो कह रहा था यहाँ पे आज संडे होने के कारण रश थोड़ा कम है। ये है डाइवर्जन ऊपर को, ये हम मेन सड़क से चले गए ऊपर वाली साइड को। वही वाला टेरेस स्टार्ट हो चुका है डायना पार्क वाला, अब मैं दिखाऊंगा आपको आगे उसका व्यू। तो मंडी से हमारा फर्स्ट हॉल्ट आफ्टर 1 आवर। यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर माता जी का मंदिर, हिमरी माता, हिमरी गंगा, तो जाएंगे। चल चुके हैं भाई लोग भी। आज बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर हमारा ये टूर है, बहुत सी जगह घूमना है, क्योंकि मेरे कज़न्स है, इन्होंने ये जगह नहीं देखी हुई है, तो इस कारण जल्दी आना पड़ा, हमारा एक्चुअली टूर था पड़ाशर का, तो थोड़ा सा ड्रॉप हमें करना पड़ा और हम जा रहे हैं अलग जगह। पहुंच चुके हैं नीचे, देखिए 2 मिनट का रास्ता सिर्फ। यहाँ पर है काफ़ी ठंड और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एक बार आया था यहाँ पे, तब था मेरे साथ सनी, दीपू जानते हो बाबा दीपू ने भी आज याद कर लिया उसको तो देखिए नारला में जो नीचे से पानी बह रहा है, यहाँ नीचे जो मैंने आपको पहाड़ दिखाया था वो यहीं से आ रहा है। उद्गम स्थल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये माँ है, माँ गंगे ने हमें बताया कि यहाँ से क्या है, बुलबुला आएगा जब नीचे से, तो वो बुलबुला उठाना है आपको और अपने सिर पे उसको लेना है, तो वो माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दीपू तो पुजारी जी हमारे साथ थोड़ी सी यहाँ की स्टोरी शेयर करेंगे। ये पठानकोट मंडी हाईवे के जो नेशनल हाईवे ना जी, इसमें पद्म स्थान से 8 किलोमीटर ऊपर घोगरधार डायना पार्क जी, हिमरी माता का पावन स्थल है जी। ये कुंड है हाँ जी, ये जो पानी का कुंड है हाँ जी, ये गंगा जल है। स्वयं नारायण जी ने जो हृंग नारायण चौहार घाटी उन्होंने लकड़ से गंगा जल को निकाला है। ओके। जब बाल्यकाल में यहाँ गऊ चलाते थे और भी ग्वाले चलाते थे, तो बाकी जो पिलाते थे ऊल पे पीछे नदी में पानी पिलाते थे, तो यहाँ होती थी घोगा पंडित्यानी। ओके। घोगा से हुई घोगरधार। ओके। उनके नाम से घोगा, पहले होते थे घोगा की धार ना जी, फिर होगी घोगरधार। तो जब वो माता को ऐसा ही बासी बात उन्होंने बालक को बताई भी, बालक पानी नहीं पिलाता। हाँ जी। तो माता को लगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। माता ने बालक पूछा, माता उसने कहा माता मैं तो पिलाता हूँ। हाँ। नारायण जी जब पिलाते थे पानी तो फिर गंगा लुप्त हो जाती थी, गंगा। ओके। हाँ, उसके बाद जब माता ने दर्शन किए तो नारायण जी ने दर्शन कराया, उसके बाद गंगा मतलब आज तक उस सदी से अब तक कंटिन्यू चली है, कोई लुप्त नहीं पूरी। और इसमें वरदान है कि जिनकी निसंतान बच्चे नहीं होते या बेटों की मानता है, इसी कुंड में लेडीज यहाँ बैठेगी, अखरोट उतारेगी, अखरोट आएगा गोद में पल्ले में दुपट्टे में। अच्छा। जब मानता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है अखरोट जो है यहीं आके वो बच्चा जिसके लिए मांगा था वो उसके हाथ से चढ़ेगा और साथ में उसकी माँ जय माता रानी। और ये नारायण जी का ये है। और 2/20 को और चैत्र 20 को यहाँ मेला होता है, शाही स्नान होता है और जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। बहुत बढ़िया, आपके पैर छुए और माता का आशीर्वाद। चल पड़े हम ऊपर की ओर। बहुत ही अच्छे हमें दर्शन हुए हैं। आए तो था मैं पहले, लेकिन मुझे इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था और बहुत अच्छी स्टोरी लगी है बहुत, क्योंकि देव हुरुंग नारायण जी जो कि बरोट वैली में चौहार में स्थित है, वहाँ पे मैं गया तो हूँ पहले, लेकिन मुझे ये यहाँ की गाथा पता नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ऊपर ये हो डायना पार्क का पेड़, जो कि काफी भयानक पेड़ माना जाता है। दीपू चलते हैं ऊपर को। डायना पार्क था नहीं, डायना पार्क किया है। आओ चलिए। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ की कुछ स्टोरी ऐसी है कि माँ काली है। देखिए, जय देव गहरी उल्टा पेड़ हिमरी गंगा, तो माता ने जो ये डायनी थी यहाँ पे, इनका सर्वनाश किया था। जय माता काली, जय काली मैया। यही है माता जी जिन्होंने जो है, देखिए यहाँ पर इस तरह का पेड़ आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। आप देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो है ऊपर की तरफ, और जो तना है वो है नीचे ज़मीन पे। तो काफ़ी स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज। भाई मेरा दूसरा वहाँ खड़ा हुआ है, मैं और दीपू ऊपर तक गए थे माता जी के दर्शन करने। अब निकलेंगे हम आगे, रोड काफ़ी स्मूथ है। पहुंच चुके हैं डायना पार्क। ये देखिए आप ऊपर ही है डायना पार्क का रेस्ट हाउस, यहाँ पे आप आ सकते हैं और रह सकते हैं, बुकिंग पे रहता है। और ये हो गया, हम ये गए मंडी वाली साइड कटिंडी, और ये चले गए हम बरोट वाली साइड। ये जो रोड है ये सारा का सारा कच्चा रोड है। जो आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप यहाँ से आना प्रेफर ना करें, आप जाएंगे मेन रोड से। पर अगर आपको व्यू लवर आप हैं तो आप यहाँ से आ सकते हैं और आराम आराम से चल सकते हैं। जटिंगरी पहुंचने वाले हैं, अभी 2-3 किलोमीटर रहेगी जटिंगरी। रुके हैं थोड़े फोटोज लेने, यहाँ से एक बहुत ही सीनिक व्यू है। दीपू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, क्या अभी ये इस रास्ते की सुंदरता है, ब्यूटी है। और ये देखिए हमारा हिमालय, ये है हमारी हिमाचल की खूबसूरती। अब थोड़े से फोटोज यहाँ पे लेते हैं सबके और फिर चलते हैं। कुछ दिनों से हुई है यहाँ पे बारिश, तो मौसम इतना सुंदर हो चुका है। यहाँ पे हो गए देवदार के पेड़ स्टार्ट, और हम पहुंचने वाले जटिंगरी, मतलब बरोट वैली है, एक वैली में पड़ता है। अभी थे हम पीछे माउंटेन्स में डायना पार्क, और अब जा रहे हैं हम वहाँ से एंटर होने वैली के अंदर। ये आ चुका है जटिंगरी स्कूल। यहाँ से अब एक हमें डाइवर्जन होगा, हेलीपैड वो जाना है हमें राइट साइड। यहाँ पर फूलाधार बहुत ही सुंदर जगह है, नेक्स्ट टाइम हम कभी आएंगे। एक रेस्ट हाउस है वहाँ पे लगा है जकूजी। खुले में आपने लेटना है, आराम से पानी गर्मा गर्म आएगा और आप पूरी व्यू यहाँ से एंजॉय लोगे। ऑन द वे टू बरोट। यहाँ पर आगे एक वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर। हम जब आए थे यहाँ पे स्कूल टाइम में बहुत ही हम छोटे छोटे थे। वाटरफॉल सूख चुका है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओ भाई रोड के जो मजे हैं इस टाइम बरोट आने के, माय गॉड। मतलब फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं यहाँ के रास्ते की तारीफ कर रहा हूँ और तारीफ उसकी जिसने इस रोड को बनाया। जहाँ हम गए थे हिमरी गंगा के मंदिर माता जी के, तो वहाँ से जो हम बात कर रहे थे हुरुंग नारायण देवता जी की, वो यहाँ से रास्ता है। जय देव पाशा कोट, काफी मान्यता है भगवान जी की। जय। आ चुका है टिक्कन का ब्रिज और यहाँ पर नहाने का इतना मजा आता नीचे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बरोट 7 किलोमीटर और आगे कुछ हादसा हो चुका है, कोई गाड़ी गिरी होगी, इसलिए जब भी आप हिमाचल आएँ तो बहुत ही संभल कर चलें भाई। मेरा सभी लोगों से, बाहर के लोगों से निवेदन है और यहाँ के लोगों से भी, कोई ना कभी ड्रिंक करा के चलाएँ आप और हमेशा सेफली ड्राइव करें। हमें अंकल जी ने दे दी है झंडी, हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ के ठीक है अंकल जी। ये है बरोट का ट्राउट फिश फार्म। कहते हैं भाई को अलविदा, भाई ने ली थी हमसे लिफ्ट। ठीक जा रहा ऊपर कांगड़ा वाली साइड, देखिए जो कि लोहाड़ी, जो अगर डायनासोर आपको ट्रैक करना हो। और ये जा रहा है नीचे मंडी वाली साइड जहाँ पे व्यूज बहुत ही सुंदर मिलेंगे। तो लेट्स गो। ये है बरोट की मार्केट, जो मेन मार्केट हम इसे कह सकते हैं। यहीं से जो है द रियल ब्यूटी स्टार्ट होगी। भूख लग चुकी है यहाँ भाइयों को मेरे, तो कुछ लेते हैं यहाँ के खाने के लिए। फाइनली पहुँच चुके हैं बरोट, अब जा रहे हैं हम बाहर थोड़ा यहाँ पे कुछ खाने के लिए। गाड़ी से निकलते ही सीधे यहाँ का व्यू ये है, देखिए बरोट वैली। ये कांगड़ा है आपका, ये यहाँ से आपका जो पावर प्रोजेक्ट है ना, कांगड़ा बाहर है। ये कांगड़ा है, ये देखो इस साइड है ये कांगड़ा। और जहाँ पर हम अभी ऐसे है मंडी, ये बता खाने का ऑर्डर दिया है भाइयों को। थोड़ी सी यहाँ पे फिश खानी है इन्होंने, तो वो हमने ऑर्डर दे दिया। अभी जा रहे हैं बैठने, हो चुका है हमारा टेबल बुक। अब बैठेंगे यहाँ पे 5 मिनट, फिर निकल जाएंगे आगे। चलिए करते हैं थोड़ा सा वेट अभी खाने का, आएंगे और निकलेंगे। आ चुकी है गर्मा गर्म फिश और मेरे लिए आ रहा है वेज चिली चीज। ये हमारे भाई, हमारे विशाल नाम है इसका। तो ये बरोट इन का जो है इनका फैमिली रेस्टोरेंट। कांगड़ा का बाजार बरोट में, कहाँ बरोट इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट। और इनके होटल में आपको रूम्स भी मिल जाएंगे और खाने के लिए भी काफी अच्छा इन्होंने खाना बनाया था। मैंने तो वेज खाया पर भाइयों ने यहाँ पे ट्राउट फिश का एंजॉय लिया है। ये है बरोट का रेस्ट हाउस। बरोट का मैं बहुत ही अच्छा आपको व्यू दिखाता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, भाई लोग भी आ चुके हैं। दीपू भाई लोग कुछ लगे हुए हैं कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा व्यू एंजॉय करना है, करेंगे, पूरा करेंगे। हाँ, और देखिए ये है बरोट का ग्राउंड। बलून की भी थोड़ी सी इन्होंने एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई हैं। और देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है यार। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह। आप देखिए ये है बरोट का जो मेन एरिया है, वो है, वो देखिए आप कहाँ तक। ये है मेरे भाई, ये मतलब बरोट इस टाइम ये 201 बार आ चुके हैं। बार 202 बार 202 आज हमारा 201 बार आ चुके हैं। सही बात है, 202 बार अभी पहुंचे हैं हम। और यार दूसरा भाई ये देखिए, इस बलून के अंदर आपको जाना है, एंटर होना है। अभी हमारा तो पूरा मन था कि हम इसके अंदर जाएं और थोड़ा सा क्लाइम करें, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। बहुत एक सीनिक सा ब्यूटीफुल व्यू दिखाएंगे आगे का। चल पड़ा हूँ मैं नीचे की तरफ, थोड़े से और व्यूज हैं यहाँ आगे के, वो इनको दिखाऊंगा। बहुत टाइम बाद हम लास्ट टाइम हम घूमने गए थे करसोग। करसोग भी मंडी में एक बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से ऊपर है केलो धार, कामाक्षा माता का मंदिर है। वो मैं आपसे पिक्चर शेयर करूँगा अगर हो सकेगा इस व्लॉग में। तो अभी हम निकल रहे हैं बरोट से। ये देखिए बरोट शाम को कितना हसीन लग रहा है यार। काफ़ी होटल्स यहाँ पर बन चुके हैं और ये है हमारा मंडी वाली साइड जो हम देख रहे हैं। तो टेक केयर बरोट, मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम।